भारत और म्यांमार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज पूरे मणिपुर के लिए, सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं पूरे बल्कि पूरे देश यानी भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज से शुरू होगा भारत और म्यांमार के बीच में वो जो बॉर्डर में जो पहले जो गाड़ी नहीं जा सका था, आज से पहली बार यहाँ से शुरू होगा। आपको देखा होगा मेरे पीछे में, आपको दिखाई देगा यहाँ पर ये उद्घाटन समारोह म्यांमार की तरफ अभी भी हो रही है। यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर जो है भारत और म्यांमार के बीच में आज से शुरू होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत और म्यांमार के बीच दोनों देशों में अच्छा संबंध रखने का एक बड़ा कदम है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद आज पहली बार मणिपुर और म्यांमार के बीच सीमा सड़क खुली है। भारत को म्यांमार से जोड़ने वाली मोरे के फ्रेंडशिप ब्रिज में आयोजित उद्घाटन समारोह में दोनों देशों ने एक दूसरे का हार्दिक स्वागत किया। भारत की ओर से मणिपुर के एक्टिस पॉलिसी के समन्वयक आर के शिवचंद्र ने सैन्य दल का नेतृत्व किया, जबकि म्यांमार की ओर से श्रम मंत्रालय, अप्रवासन और जनसंख्या विभाग के स्थायी सचिव यू आई लुइन और भारत के काउंसिल जनरल नंदन सिंह भैरोसा नेतृत्व कर रहे थे। It is a long pending great desire dream for particularly for the Manipuris and the rest of the India, because the road is supposed to often say sometimes in 2015 I believe, but it is not opening. What we'll have to believe is that there had not been any border elsewhere in the Southeast Asia that border is not opening. This is only the border which is not opening so far. We are really excited. Through this border, we'll be able to travel the rest of the Southeast Asia, and we should also realize the fact that there is no any land route corridor in the northeastern except Manipur. 20 साल के अंतराल के बाद भारत और म्यांमार के बीच सड़क खुलने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध में और सुधार की उम्मीद की जा रही है। नागालैंड के राज्यपाल पीबी आचार्य ने कल दीमापुर, कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों से 34 गाइड और 21 स्काउट को राज्य पुरस्कार 2018 से नवाजा। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे राज्य में ऐसा विकास लाए जो लोगों को सशक्त बनाए। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को न केवल सरकारी नौकरी का इंतजार करना चाहिए बल्कि अन्य उद्यमों की भी खोज करनी चाहिए। That is not the end goal of any young man or woman attending an educational institution. So also, joining the Scouts and Guides movement and getting some reward. Today, many of you got the certificate for your wonderful performance and taking part in training. Congratulations to all of you. But that is again the beginning of your life. It is not the end. Just like a degree, just like a certificate, you are empowered now to do more and more service. सिक्किम को बेस्ट रूरल ट्रेवलर डेस्टिनेशन अवार्ड यानी सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण यात्री गंतव्य पुरस्कार से नवाजा गया है। सात अगस्त को दिल्ली में ट्रेवलर्स टुडे की ओर से आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार केंद्रीय वाणिज्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने प्रदान किया। सिक्किम से पर्यटन विभाग के सचिव सीपी ढकाल ने पुरस्कार ग्रहण किया। त्रिपुरा के चुराई बारी में इंसानियत को शर्मसार करती हुई एक जघन्य घटना सामने आई है। यहाँ 2.5 वर्षीय एक लड़की को 15 वर्षीय एक लड़के की हैवानियत का शिकार होना पड़ा। पीड़ित
पीड़िता की हालत बेहद नाजुक है और वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हम लोगों के पास अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है 2.5 years is, और ऑलरेडी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉम्प्लेंट चुराईबरी पुलिस स्टेशन में अंडर पोक्सो एक्ट एक केस रजिस्टर हुआ है और इसका अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस। जो विक्टिम का मदर, उन्होंने ऐसा बोला कि जो शी वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम दैट इज इन द आफ्टरनून 3 से 4 बजे तक, तो उसी टाइम पे हो सकता है कि कोई घर में टीवी देखने के लिए गया, नहीं तो कोई रास्ता में देखा, तो उसी टाइम पे घटना हुआ ऐसा हम लोगों के पास खबर है। दरअसल अपनी बड़ी बहन के साथ पीड़िता पड़ोस के घर में टीवी देखने गई थी, जहां उसे इस दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने लड़की को सड़क पर फेंक दिया। बाद में स्थानीय लोगों ने उसे बरामद कर उसके अभिभावकों को घटना की सूचना दी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आज कोर्ट में उसे पेश किया। तार मा भारित असलो ते बच्चा दुईटा घुरान गेछे आर जेस्तो बच्चा एगो रास्ता करिया रहिछे को रास्ता करिया रहिछे ते यो सेले जन लया एछे तार मार कासे आनिया दिछे तुमार यो तुमार मेये कम रास्ता करिया रहिछे आमी लया दिछे। शिलांग के ऑल सेंस हॉल में रेशम और बुनाई विभाग ने कल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया। राज्य भर से बड़ी संख्या में बुनकरों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। छोटा से बच्चा से आरंभ होता है हमारा कल्चर, ये कपड़ा बनाने के लिए घर में बनाते हैं, सिर्फ हम लोग कमर्शियल के लिए नहीं, सिर्फ अपने खुद के लिए पहनने के लिए, लेकिन हमारा कोई अभी तक गवर्नमेंट से कोई सहायता या कोई सहायता नहीं मिला। बुनकरों को मदद का आश्वासन देते हुए विभाग के मंत्री बंटेदो लिंगडो ने कहा कि राज्य में हथकरघा उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से बुनकरों के लिए सेवा केंद्र की स्थापना करनी होगी। बिगिनिंग बट वी आर स्टार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वी नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट you know to take this industry to move forward from now that is why I'll tell you the government they have taken initiative for this because we know that to make this silk clothes it's very difficult I'll tell you that's why we encourage the weaver we'll put some more scheme we'll have some more you know aspect whatever from the government or from the central government to move forward what we can help the weaver to grow more they can produce some more silk to make the clothes and design. कार्यक्रम में मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे।